हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अगर आप कुछ इस तरह का डायलर यूज़ करते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा डायलर देखने को मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आपके फ़ोन में आता है, तो आप किस तरह से आप अपने मोबाइल के डायलर को ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा था। तो यहाँ पे किस तरह से आप अपने डायलर को ऐसा बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपको जिस किसी को भी कॉल लगाना है उसकी फ़ोटो पे क्लिक करना है और कॉल डायरेक्टली जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव कॉल करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वीडियो कट हो जाएगी। तो अगर आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का डायलर और कुछ इस तरह से आप बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी सेटिंग्स बताऊँगा किस तरह आप बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए अगर आप गूगल डायलर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये डायलर है, इसका आप यूज़ कर रहे हैं ये आपके फ़ोन में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपके मोबाइल में कोई भी डायलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन सर्च करना है, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा जो कि गूगल का एप्लीकेशन, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको शायद कुछ अलग तरीके का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो आपको शायद ऐसा ना मिले ऑप्शन देखने को, आपको शायद ऐसा मिले ऐसा मिले ऐसा मिले, और यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीका का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ना आपको एक सेटिंग करनी होगी। तो आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाना है, नीचे जाना है आपको ऐप्स मैनेजमेंट पे डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है फ़ोन ऐप पे, और यहाँ पे अगर आपका फ़ोन ऐप सेलेक्ट नहीं है, तो आपको अगर ये डायलर सेट है तो आपको क्या करना है, फ़ोन को सेलेक्ट करके रखना है, फ़ोन को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे जो भी आपने इंस्टॉल किया, तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना मेरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पहले से ही ऐड है, तो अगर आपके ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में रिसेंट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जाना है फेवरेट पे। फेवरेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपको किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ना ये मैंने कॉन्टैक्ट ऐड किए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव एक ऐड करके दिखाऊंगा किस तरह से आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस किसी को भी ऐड करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे ना एक कॉन्टैक्ट है संजय नाम से, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। और अगर आप इसकी प्रोफाइल लगाना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर आपको टैप करके रखना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करना है, और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने डायलर को बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डायलर को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी इजी। आपको यहाँ पे आना है, जिससे भी आज ज़्यादा कॉल लगाते हैं तो उन्हें आपको यहाँ पे फेवरेट में ऐड करके रख लेना है, तो उस जिसकी भी फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे उसको कॉल जो है लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपना डायलर बना सकते हैं ऐसे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डायलर है कितना अच्छा लग रहा है, तो और पहले के मुकाबले। तो इसमें ना अगर किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो उसको कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।